हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर फ्रेंड्स चैनल। और मेरा नाम है टीना। तो ये है संडे का इवनिंग और यहाँ पे मैं अपने बच्चों को ले जा रही हूँ गार्डन। तो मैंने ऑटो बुला लिया है और आज उनके पापा को छुट्टी है नहीं, उनको काम पे जाना है, तो पूरे दिन बच्चे घर पे। तो शाम को थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों नहीं मैं ही उनको ले चलती हूँ। तो बस मैंने उनको तैयार किया और मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी चाहते हैं ताकि रात होने से पहले ही हम आ जाएं। तो बस ऑटो में हम बैठे और निकल पड़े। हम जा रहे हैं मेघदूत गार्डन। फाइनली हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे मैंने टिकट भी निकाल लिया है और बस अभी जाऊंगी बच्चों को लेके। मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, बस अंदर जाना है उनको जल्दी। तो बस जल्दी उनको लेके चलते हैं अंदर। टिकट बता दिया मैंने और यहाँ पे कियान एंड मायशा जो है देख रहे हैं नेचर को और बातचीत कर रहे हैं, भैया क्या है ये ये कौन सा प्लांट है, क्या है। तो ये सारी बातचीत चल रही है भाई बहन में। तो बस हम निकल गए हैं अंदर की ओर और आप देखते रहिए। मायशा पहले आई थी और क्यान तभी बहुत ही छोटा था। तो मायशा हमें गाइड कर रही है कि मम्मा यहाँ चलो और देखिए यहाँ पे खेलने के लिए बच्चों के लिए स्लाइड्स और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। चलिए आप मेरे साथ देखिए। हो हमारे ऊँट भैया खड़े हैं वहाँ पे। तो क्यान एंड मायशा को ऊँट में बैठना है और मुझे बहुत डर लगता है ऊँट में बैठने को, पर मैं दोनों को अकेले नहीं छोड़ सकती तो मुझे भी बैठना पड़ा। मैंने भैया को पहले ही बोल दिया कि भैया आप स्लो स्लो चलाना, ऊँट को भगाना मत। हाँ, और मुझे बहुत डर लगता है। तो भैया ने मुझे बोला कि आप पर्स अच्छे से वहाँ पे आप हैंग कर दीजिए। तो मुझे मैं बच्चों को भी संभालना था, पर्स भी ना गिरे वो भी ध्यान रखना था। और जैसे ही मुझे लगा बच्चे डरेंगे, स्पेशली कियान क्योंकि वो पहली बार बैठा है तो बहुत छोटा भी है वो, लेकिन वो बिल्कुल भी डरा नहीं और यहाँ पे मेरी हालत ख़राब हो गई।
बच्चा दिख रहा है जो ऊंट चला रहा है, ये बहुत ही अच्छा था, ये हमें बहुत ही अच्छे से स्लो स्लो करके लेकर आया। लेकिन जो ब्लू शर्ट वाला जो था, जो बड़ा कोई लड़का था, वो पीछे एक सवारी आ रही थी ऊंट की, तो वो मुझे भगाने लग गया। फटाफट फटाफट मेरी ऊंट को भगाने लग गया और मुझे इतना डर लगने लग गया। तो वो फटाफट फटाफट बस ऊंट को भगा रहा है और ऊंट थोड़ा सा भागने लग गया और मुझे इतना डर लग रहा है, मुझे बच्चों को भी संभालना है, पर मेरे बच्चे बहुत ही हिम्मत वाले। तो फाइनली मैं पहुंच गई और मैंने शुक्र मनाया कि भैया मैं पहुंच गई हूँ अच्छे से। तो बहुत मज़ा आया, तो बहुत एक स्ट्रेस बूस्टर है, कभी कभी ऐसा भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो ऊँट के बाद अभी हाथी का नंबर है, तो मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, मैंने बच्चों को बिठा दिया पर मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ, मैं इतना कोशिश कर रही हूँ, मेरा वेट गेन इतना हो गया, मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ अच्छे से। फिर वापस मैंने एक बार ट्राई किया और मैं बैठ गई अच्छे से। तो बस बहुत मस्ती कर रही हूँ मैं बच्चों के साथ और ऐसे ही होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी कियान एंड मायशा को मेरी ज़रूरत नहीं है, उनको पूरा एरिया गार्डन का पता चल गया है, वो मत भाग रहे हैं, बस मैं उनके पीछे पीछे उनका ध्यान रख रही हूँ। गार्डन है, ये बहुत ही बड़ा गार्डन है और इसमें बहुत सारे पहले राइड्स भी थे, तो मैं तो थक गई हूँ, मैं थोड़ा सा बैठी हूँ और मैंने बच्चों को भी बोला थोड़ा सा बैठो, और पर नहीं, मेरे बच्चे तो भागने वाले हैं, कोई नहीं आ रहा मेरे पास, आ रहे मम्मा की बात सुनने के लिए, आ गए और बस निकल गए वापस। तो यही सब कर रहे हैं, उन लोग खेल रहे हैं, उनको बहुत मज़ा आ रहा है, तो मैंने सोचा मैं बैठ के थोड़ा सा देखूँ उनको। चारों तरफ सिर्फ पेड़, खूबसूरती ही खूबसूरती, तो जो भी वक्त हम वहाँ पे बिताते हैं बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो पहले जो जगह आप देख रहे हो, यहाँ पे पहले फाउंटेन होता था जब मैं आती थी पहले, जैसे बच्चे होने से पहले भी मैं एक बार आई थी और एक बार क्यान बहुत छोटा था तभी मैं आई थी, तो यहाँ पे फाउंटेन था, इतना प्यारा लगता था रात को वो, मतलब बहुत प्यारा लगता था यहाँ पे ऐसे फाउंटेन वाटर का, यहाँ पे इट यूज़ टू लुक वेरी ब्यूटिफुल। और जैसे इसके अंदर अभी जैसे बच्चे गए, तो उसके लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़ा मतलब अप्पू घर करके था, जहाँ पे इतनी मतलब एक मिनी एसेलवर्ड बोल सकते हो आप, इतना प्यारा था, लेकिन वो क्यों बंद हो गया पता नहीं, तो मैं बहुत मिस किया मैंने वो। तो बस अभी थोड़ा सा टाइम यहाँ पे बिता के मैं निकलने वाली हूँ। मायशू बहुत थक गई है अब, मायशू और हम जाएंगे कुछ खाने पीने ना बेटा। और क्या देखो, वो देखो 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 दिखा दिखा दिखा, और देखो 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 सो फ्रेंड्स,
ये था मेघदूत गार्डन और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन एक्चुअली। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ आई हूँ और मेरे साथ कोई भी नहीं है, तो इन दोनों को संभालना, एक इधर भाग रहा है एक उधर भाग रहा है, फिर भी मैंने मैनेज किया कुछ एंड आई एम वेरी हैप्पी, अच्छा लग रहा है मुझे। अभी हम जा रहे हैं घर और थोड़ा सा बाहर बैठी हूँ और मायशु ने क्या लिया देखो, और कैन ने, ओ वाओ।